हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ये है सूरज और ये अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज में आप सभी का स्वागत करता है। यही बोलना था ना? ठीक है, हद करता है यार भाई तू भी। हाय फ्रेंड्स, सो आज हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन के बारे में, जिसे हिंदी में संयोजन सूचक कहा जाता है। एंड इन लास्ट वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट प्रीपोजिशन, सो इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो सो यू मे वॉच, एंड दैट वीडियोस लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 8th में कंजंक्शन के बारे में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंजंक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं कि किन किन शब्दों को कंजंक्शन कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन है कि दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को कंजंक्शन कहा जाता है। मतलब कि वे सभी शब्द जो कि दो शब्दों को आपस में जोड़ते हो या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हो। जैसे मेरे पास दो सेंटेंस है कि राम अमीर है और एक और सेंटेंस है कि श्याम अमीर है। यदि मुझे इन दोनों को जोड़ना है तो मैं किसे जोड़ सकता हूँ? मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूँ कि राम और श्याम अमीर है, राइट? यानी कि मुझे इन दोनों सेंटेंस को एक ही वाक्य में बोलना है तो मैं दो शब्दों को आपस में जोड़ रहा हूँ। राम और श्याम दो वर्ड है, उन दोनों को आपस में जोड़ रहा हूँ और वर्ड लगाया मैंने और शब्द से, यानी कि और क्या होगा? कंजंक्शन। एक और उदाहरण देखते हैं। तो दो सेंटेंस और है कि राम अमीर है और एक और सेंटेंस है कि श्याम गरीब है। ओके, अब इन दोनों को यदि मुझे जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ सकता हूँ? कि राम अमीर है लेकिन श्याम गरीब है। आए समझ में? राम अमीर है लेकिन श्याम गरीब है। तो यहाँ पर जो लेकिन शब्द है वो क्या होगा? कंजंक्शन। तो यहाँ पर ये जो लेकिन शब्द दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ओके, और जो पहले वाला उदाहरण था वहाँ पर दो शब्दों को जोड़ा था, तो बस इन्हें ही कंजंक्शन कहा जाता है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं कि किन किन शब्दों को कंजंक्शन कहा जाता है। सो फर्स्ट है एंड, यानी कि और। जैसे राज और अभिषेक मेरे प्रिय मित्र है, तो यहाँ पर और कंजंक्शन होगा। नेक्स्ट बट, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं किंतु, परंतु, मगर, पर, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, मैं उसे झगड़ा करने से मना बोल रहा हूँ लेकिन वह नहीं मान रहा है, तो यहाँ पर जो लेकिन शब्द है वो कंजंक्शन होगा। नेक्स्ट है और, जिसे हिंदी में बोलते हैं या। जैसे वह चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करेगा, इसका मतलब है कि वह चाय या कॉफ़ी दोनों में से एक लेना पसंद करेगा। नेक्स्ट है बिकॉज़, बिकॉज़ का हिंदी मीनिंग होता है क्योंकि। एक एग्जांपल देखते हैं, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ क्योंकि मेरा पेट दर्द हो रहा है। नेक्स्ट है इफ़ का हिंदी मीनिंग होता है यदि। जैसे यदि वह अपने आप को ज़्यादा होशियार समझता है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट है अदरवाइज, जिसे हिंदी में बोलते हैं अन्यथा या नहीं तो। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि झगड़ा मत करो अदरवाइज मैं चाटा मार दूँगा, मतलब अन्यथा या नहीं तो मैं चाटा मार दूँगा। नेक्स्ट है देट, देट का हिंदी मीनिंग होता है कि। जैसे उदाहरण देखते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत होशियार हो, मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत होशियार हो। नेक्स्ट सो देट, सो देट का हिंदी मीनिंग होता है ताकि। जैसे कड़ी मेहनत करो ताकि तुम अच्छे अंकों के साथ पास हो जाओ। नेक्स्ट दैट्स वाई, दैट्स वाई का हिंदी मीनिंग होता है इसलिए। जैसे बारिश हो रही थी इसलिए मैं नहीं आ सका, इसलिए मैं नहीं आ सका। ओके, तो आइए आज हम इंटरजेक्शन को भी पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं कि किन किन शब्दों को इंटरजेक्शन कहा जाता है। वैसे इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मय सूचक कहा जाता है। तो देखो क्या होता है, कई बार परिस्थितियों के कारण मुंह से अचानक शब्द निकलते हैं। जैसे कि यदि हमें किसी कारणवश थोड़ी सी लग जाती है तो मुँह से निकलता ओ, राइट? जैसे किसी कारणवश कोई लग जाती है या कुछ भी हो, भावनाओं के कारण शब्द निकलते हैं, OMG बोलते हैं ना, ओ माई गॉड। ओके, तो ऐसे शब्दों को इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो आइए कुछ शब्द लिख लेते हैं, जैसे ओह एंड आह, और बोलते हैं जैसे वाह। ओके, एंड जब खुशी होती है तो क्या बोलते हैं?
हुर्रे एंड जैसे OMG, ओ माई गॉड एंड बोलते हैं ओह गॉड। तो ये कुछ शब्द है जिन्हें इंटरजेक्शन कहा जाता है। ओके, सो आज हमने इस वीडियो में कंजंक्शन के साथ साथ इंटरजेक्शन के बारे में भी पढ़ लिया है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो अगेन मैं वही रिपीट करना चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, और समझ में आ गया है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ओके।